असलम आई होप यू ऑल आर गर्ड अच्छा जी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉमेटिव होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊँगी कुछ ऐसे वर्सेटाइल शूज़ के बारे में कि जो अगर आपके क्लाज में अवेलेबल होते हैं तो बिलीव मी फॉर द रेस्ट ऑफ़ योर लाइफ मेरे पास इस ड्रेस के नीचे शूज़ नहीं है वाला मसला तो हल हो ही जाएगा तो आई एम जस्ट बेसिकली फोकसिंग ऑन कलर्स हील प्रेफरेंस डिज़ाइन प्रेफरेंस आपका अपना है अच्छा जी हम लोग शूज़ जो है ना वो मैच करते हैं ड्रेसेस के साथ और मेरे अकॉर्डिंग ड्रेसेस होते हैं चार टाइप के एक फैंसी ड्रेसेस होते हैं जो कि हम शादी ब्या पे पहनते हैं सेकंड सॉलिड्स होते हैं जिनको प्लेन भी हम लोग कहते हैं थर्ड पैटर्न्स होते हैं जिसमें प्रिंट और एम्ब्रॉयडरी दोनों आ जाते हैं और थर्ड टाइप होती फोर्थ टाइप होती है सॉरी वेस्टर्न अच्छा वेस्टर्न में हम लोग ज़्यादातर जीन्स पहनते हैं अगेन अगर हम लोग मैक्सी या मतलब स्कर्ट वगैरह पहन रहे हैं तो वो अगेन प्रिंट या एम्ब्रॉयडरी में आ जाते हैं सो so, अगर हम सबसे पहले पहली वाली टाइप की तरफ जाते हैं जो कि थी फैंसी ड्रेसेस जिसको हम लोग फॉर्मल भी कहते हैं तो सिल्वर कलर जो है वो फॉर्मल को भी कवर कर लेता है समटाइम्स सेमी फॉर्मल के नीचे भी आपका चल जाता है इवन मैंने बहुत सारे सॉलिड कलर के नीचे भी सिल्वर पहना है तो सिल्वर ये मेरे जो शूज़ हैं ये मैंने लिए थे मेट्रो कलेक्शन से आई थिंक थर्टी टू या थर्टी फोर हंड्रेड का एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है अच्छा ये मेट्रो शूज़ नहीं है मेट्रो कलेक्शन है इन दोनों में कोई डिफरेंस है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी डाल दूंगी इसकी पेंसिल हील है और ट्रांसपेरेंट है और ऊपर स्टोन्स लगे हुए हैं बेस सिल्वर है इसकी तो और यकीन करें कि ये इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हैं इसकी आई थिंक हील जो है वो थ्री इंचज़ या उससे भी ज़्यादा है बट ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो सबसे पहले हील खरीदते हुए ये लाजमी ख्याल रखें कि वो कंफर्टेबल हो क्योंकि हील की वजह से जो आपके एंकल्स में दर्द शुरू होता है ना वो फिर ख़त्म नहीं होता लाइफ टाइम रह जाता है और जी होता ही है कि फैंसी ड्रेसेज जो हमारे होते हैं ना उनमें मोस्टली कोई स्पार्कलिंग मटेरियल यूज़ हुआ होता है जैसे स्टोन्स या तिल्ला वर्क वगैरह तो दूसरी जो टाइप है वो होगी ये वाले शूज़ जो मेरे पास हैं गोल्डन और मैंने ये अनारकली मार्केट से लिए थे और मुझे बस ये अट्रैक्ट किए थे और मैंने ले लिए तब मुझे नहीं पता था कि ये कितने यूज़फुल रहेंगे क्योंकि मुझे ये तो आइडिया था कि गोल्डन बहुत यूज़फुल होते हैं हमेशा से मेरे क्लाज में गोल्डन शूज़ रहते हैं बट आ, मुझे ये था कि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे इस तरह से लेकिन अभी तक मुझे साल हो गया ये लिए हुए और मैंने अभी तक पाँच से सात शादियों पे तो ये पहन ली हैं लेकिन अभी भी ये बिल्कुल इस तरह लगते हैं कि नए हैं पहली दफ़ा पहने हैं तो जस्ट आप ये ख्याल रखें जब भी आप कोई चीज़ बाय कर रहे हो और अपने आप को इतना ग्रूम करें कि आपको ये आइडिया हो कि आप जो भी चीज़ ले रहे हैं एक तो वो कम्फर्टेबल है और दूसरी वो आपको पहनी हुई अच्छी लग रही है उसकी फिनिशिंग कैसी है और बस वो दिखने में अच्छी लगनी चाहिए ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगी महंगी चीज़ें आप बाय करें तो ये गोल्डन और सिल्वर हो गए इनके बारे में मैंने आपको बता दिया सारा अच्छा जो नेक्स्ट पेयर ऑफ शूज़ है ना वो है ये ट्रांसपेरेंट अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ एडअप करना चाहूँगी कि आप लोगों को याद होगा कि शायद मुझे नहीं पता बट मेरी अम्मी के तो एक ट्रांसपेरेंट शूज़ होते थे बहुत अच्छे से और उस ज़माने में काफ़ी ज़्यादा जो औरतें हैं मैंने उनके ट्रांसपेरेंट शूज़ देखे थे और काफ़ी ज़्यादा कूल लगते थे मुझे देख के तो अभी मैंने भी ये बाय किया आपको पता ही है ये वाला डिज़ाइन जो है आजकल काफ़ी ट्रेंड में है ऑलमोस्ट तकरीबन हर लड़की ने ये बाय किए हुए हैं तो ये भी काफ़ी यूजफुल हैं मतलब आप लोग इनको सेमी फॉर्मल के साथ भी पहन सकते हैं कैजुअल के साथ भी पहन सकते हैं फॉर्मल के साथ भी पहन सकते हैं बहुत अच्छे लगते हैं नेक्स्ट जो मेरे पास कलर है वो है ब्लैक और ब्लैक इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है मतलब मोस्टली लोगों को ना इसका आइडिया होता है ब्लैक बेसिकली एक जुगाड़ होता है कि आपका कुछ भी मैच नहीं हो रहा कंट्रास्ट नहीं हो रहा तो आप ब्लैक निकाल के पहन लें मेरे शूज़ मैंने एम्पोरियम मॉल से लिए थे वो जो मॉल के बाहर काउंटर्स लगे हुए होते हैं ना वहाँ से लिए थे ट्वेंटी टू हंड्रेड के ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी हैं और इसकी हील जो है बिल्कुल छोटी सी है अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती जाऊँ ब्लैक शूज़ जो भी आपने अपने ऐड करने हैं ना क्लाजेट में मेक श्योर करें कि वो थोड़े सेमी फॉर्मल से हों बहुत ज़्यादा फॉर्मल भी ना हो यानी कि स्टोन्स लगे हुए या इस तरह से कि जो आप बस शादियों पे या पार्टीज पे ही पहन सकें और बहुत ज्यादा कैजुअल भी ना हो कि आप बस मार्केट तक जा रहे हैं तो आप पहन सकते हैं वरना नहीं इस तरह के हो कि आपने किसी के घर किसी दावत पे जाना है या आपने खाना खाने जाना है आप बाहर कहीं भी जा रहे हैं आप थोड़ा सा ड्रेसअप हुए हुए हैं तो आप पहन लें बाकी हील प्रेफरेंस आपकी अपनी है आप पंप्स पहनना पसंद करते हैं वो ले लें आपको फ्लैट्स पसंद है आप वो ले लें नेक्स्ट वी हैव रेड कलर और ये मेरा फेवरेट कलर है इसके बारे में बेस्ट थिंग ये है कि ये बड़ा ही ना यूथफुल सा कलर होता है और अटेंशन बहुत ज़्यादा ग्रैप करता है उसका बेनिफिट ये होता है कि आपने अगर ड्रेस थोड़ा सा हल्का पहना हुआ है या बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और उसके नीचे आप रेड शूज़ पहन लेते हैं ना तो देखने वाले का सारा फोकस शूज़ पर चला जाता है और कपड़ों से हट जाता है दूसरी बात यह है कि रेड कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होता अगर मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ जो कि बेसिक कलर्स का चार्ट है जो हमारे बेसिक बारह कलर्स होते हैं तो उनमें से आपने कोई भी सॉलिड कलर में ड्रेस पहना होगा रेड नीचे बुरा नहीं लगेगा कुछ कलर्स के नीचे रेड बहुत अच्छा लगेगा कुछ के नीचे चल जाएगा बट आप सब के नीचे पहन सकते हैं दूसरी बात यह है कि अगर प्रिंट्स की बात की जाए ना या पैटर्न्स की बात की जाए ओवरऑल जिसमें एम्ब्रॉयडरी भी आ जाएगी प्रिंट भी आ जाएंगे तो प्रिंट में भी मोस्टली रेड होता है क्योंकि फ्लावर्स बने हुए होते हैं या कुछ इस तरह का होता है तो उनके नीचे भी आप रेड पहन सकते हैं तो मेरे ये जो शूज़ हैं मैंने ये लिए थे मेट्रो कलेक्शन से इनके जो शूज़ होते हैं इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और प्राइज़ भी इकनॉमिकल होती है दूसरा ये है कि इनके शूज़ इन सिग्निया से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं जिस तरह उन्होंने कुछ क्लिंग सा मटेरियल या ग्लिटरी सा मटेरियल यूज़ किया हुआ होता है ना इसी तरह से इन्होंने भी कुछ किया हुआ होता है स्टोन्स लगाए हुए होंगे या इस तरह से कुछ देखें इन शूज़ पर भी ना बोज ही बनी हुई हैं तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है अगला कलर जो मेरे पास है वो है ऑफ वाइट अच्छा मैं देख रही थी ये कैमरे में शायद आपको थोड़ा बेज सा लग रहा होगा लाइट की वजह से बट ये बेज कलर नहीं है ये ऑफ वाइट कलर है अगर आप चाहे तो आप इसकी जगह प्योर वाइट भी ले सकते हैं बट मैंने देखा मोस्टली लोग प्योर वाइट शूज़ में पहनना पसंद नहीं करते तो फिर आप ऑफ वाइट ले लें ले, या फिर आप बेज कलर ले लें ये तीनों एक ही जैसे काम करते हैं मोस्टली प्रिंट्स में वाइट या ऑफ वाइट या बेज कलर यूज़ हुआ वो होता है एक तो ये आपके उस सिचुएशन में यूटिलाइज़ हो जाएंगे दूसरा ये जो लाइट कलर्स होते हैं ना जैसे स्काई ब्लू सी ग्रीन बेबी पिंक टी पिंक पीज उनके साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं तो मैंने ये स्टाइलो से लिए थे ट्वेंटी फोर हंड्रेड के और इनकी ब्लॉक सील और ऊपर थोड़ा सा टेक्सचर सा बना हुआ है अगला कलर जो है ना हमारे पास वो है ये ब्राउन अच्छा इसके बारे में मैं आपको एक टिप बताना चाहती हूँ कि इसके साथ इसी तरह का एक बैग बाय कर लें यानी कि लेदर शेड में क्योंकि जो रियल लेदर होता है वो तो एक्सपेंसिव होता है सब अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप लेदर शेड में एक बैग बाय कर लें और फिर उसको किसी भी चीज़ के साथ पहने चाहे जीन्स शर्ट के साथ पहने सॉलिड्स के साथ पहने या प्रिंट्स के साथ पहने उसको कोई मैचिंग की ज़रूरत नहीं और बिलीव मी आपको किसी भी और बैग या जूते की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मतलब आप इसके साथ गुजारा चला सकते हैं और दूसरी टिप यह है कि जब आप शूज़ बाय करेंगे ना इस कलर में एटलीस्ट कोशिश करें कि इसी तरह के शूज़ हों यानी कि कोट शूज़ हो जाएं और मटेरियल भी तकरीबन इसी तरह का हो क्योंकि इस तरह के शूज़ होते हैं ना वो ओपन हील्स में या फ्लैट्स में इतने अच्छे नहीं लगते ये मैंने शूज़ जो है स्टाइलो से बाई किए थे आई थिंक ट्वेंटी टू हंड्रेड के सेल पे गर्मियों में क्योंकि ये कोर्ट शूज़ थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं सर्दियों में तो ये इतने के नहीं मिलते और मैंने इनको पूरी पिछली सर्दियों पहना है अच्छा नेक्स्ट जो कलर है वो आप लोगों ने मुझे बहुत सारी वीडियोस में पहनावा देखा होगा तो ये जो कलर है ना ये मैंने प्रॉपर रिसर्च के बाद लिया था मुझे एक फंकी सा कलर चाहिए था क्योंकि बेसिकली इस तरह के जो प्लेफुल से कलर्स होते हैं ये ऑपोजिटली भी उन्हीं कलर्स के साथ यूज़ होते हैं तो ये सारी लिस्ट है जिनके साथ ये येलो कलर ब्रांड हो जाता है ये फंकी कलर में से सबसे ज्यादा बेस्ट चॉइस है कि अगर आप येलो ले लें ब्लू शूज है और इनका मैट सा मटीरियल है ये मुझे गिफ्ट मिला था पाकिस्तान के नहीं है ये और जब ये आए थे ना तो मेरा दिल था कि काश ये ब्लैक या रेड होते तो मेरे लिए ज़्यादा यूज़फुल रहते लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब भी कभी जीन्स के नीचे मेरा हील पहनने का दिल होता है ना तो ये ही जा रहे होते हैं उसके साथ क्योंकि डार्क कलर की जींस के साथ ये वैसे ही मैच हो जाते हैं और जो लाइट कलर्स होते हैं तो उनके नीचे तो ये और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो अगर आप जीन्स यूज़ करते हैं तो इस तरह का एक ब्लू सा मैट सा शेड ले लें अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन पर्सनली अगर मैं आपको बताऊँ ना तो ये बहुत ज़्यादा चुभने वाले और आँखों में लगने वाले शूज़ नहीं हैं तो ये आपके चल जाते हैं बड़े सोफिस्टिकेटेड सा कलर है तो ये आप पहन सकते हैं शलवार कमीज़ के, के नीचे भी सो दिस इज़ आल फॉर टुडे और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबाएँ ताकि आपसे कोई भी ग्रूमिंग टिप मिस ना हो जाए थैंक्स फॉर अल्लाह हाफिज